पिछले साल जुलाई के महीने में म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के मजदूरों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था मुतअद्दिद मांगों के साथ। और AICCTU के ट्रेड यूनियन के लीडरान का कहना है कि उस वक्त वजीर आला ने उन्हें वादा किया था कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 9 से 10 महीने गुजरने को हैं, वजीर आला अपने वादे को निभा नहीं पाए। इस सिलसिले में बतारीख 20 मार्च को AICCTU की जानिब से जो तमामी मजदूर हैं गारबेज सेग्रीगेशन व दीगर म्युनिसिपैलिटी से जुड़े मजदूरों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है, इनडेफिनिट स्ट्राइक किया जा रहा है। इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं AICCTU के लीडरान से कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और ये जो इनडेफिनिट स्ट्राइक है ये कब तक चलेगा और इनकी क्या मांगे हैं रियासती हुकूमत से। अभी बहुत साल से कार्मिकों का बहुत काम कर रहा है, बहुत साल से उनको करेक्ट पेमेंट नहीं मिलता, उनको भाड़ा भरने को नहीं पैसा बहुत कम आ रहा है, पगर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा कम, ATM सब उनको हाथ में है, अभी पैसा निकल के थोड़ा 5,000-4,000 पैसा देता है उनको, वो बहुत मुश्किल में अभी पे कर रहा है वो। इसलिए हम अभी आंदोलन की वो इधर शुरू हो रहा है, अभी हम कर रहा है उनको डायरेक्ट में BBMP में डायरेक्ट में पगार मिलना चाहिए, उनको बायोमेट्रिक होना चाहिए। अभी उनको पौर कार्मिक का झाड़ू लगा था ना, उनको अभी डायरेक्ट खायामती को क्या परमानेंट करता बोल दिया, वो बाद में उनको डायरेक्ट में हम बायोमेट्रिक में लेता है बोल दिया। वो CM तो बात दिया ना, हम क्या गलत नहीं बात कर रहा है, वो बात दिया, वो बात कैसा दिया, वो बात में उस वैसा वो अभी जबान रखना पड़ेगा। इसलिए हम मंडे उधर आंदोलन कर रहा है, हम कार्मिक को क्या उनको कायम करना पड़ेगा। जो ड्राइवर्स है और जो लेबर है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BBMP में काम करते हैं उनका सिचुएशन बहुत ही खराब है। उनका एक ग्लव्स नहीं है, एक मास्क नहीं है, वो बहुत ही अनसेफ में वो काम कर रहे हैं, बहुत उनका हेल्थ का बहुत खराब हो रहा है। और अभी हम देखते हैं तो बहुत ही पैसा इसमें है, सिर्फ BBMP में एक महीने के लिए 45 करोड़ जाता है। पर अभी आप किसी से भी पूछिएगा उनका 3 महीने से का पैसा नहीं मिला है, 4 महीने से पैसा नहीं मिला है, तो ये पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ये गुलामगिरी होता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला है, तो ये गुलामगिरी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होना है, पूरी तरह से बंद होना है। सब लोगों डायरेक्टली कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी से पेमेंट आना है और उनका भी परमानेंट होना है। ये जो काम कर रहे हैं उनके साथ सभी लोगों को कड़ा होना है। और CM को हम बोल रहे हैं कि आपने जो बात दिया था वो बात आपको रखना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो आप 20 तारीख से क्या करने वाले हैं मैम? हम 20 तारीख से पूरी तरह से हम स्ट्राइक करने वाले हैं, कोई भी काम नहीं करेगा जब तक सब लोगों परमानेंट नहीं होते, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चला जाता है। कचरा उठाने वाला है, कचरा को लेके जाके डंपिंग यार्ड में डंपिंग डालने वाला है, और ये वाटर सप्लाई तो पानी छोड़ने वाला है, पानी के हेल्पर है, UGD अंडर ड्रेनेज के लोगा है, उस मशीनरी अब आया है। पहले हम लोग उतार के काम करते थे, मैं भी एक सैनिटेशन के कचरा उठाने वाला हूँ, उनका सुपरवाइजर हूँ, मिस्त्री हूँ। अब मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि आप लोगों का हम लोगों ने कर देते हैं डायरेक्ट पेमेंट, सीधा हमारे खाते में आपको पैसा डालते हैं बोलकर, वो वचन भ्रष्ट हो गए है। हमारी प्रॉब्लम है, हम मीडिएटर को हटाओ, तो मीडिएटर है कॉन्ट्रैक्टर उनको हटाओ, हमारा मांगे क्या है सीधा, तो हमारा तनखा हमारा सीधा अकाउंट में डालो बोलकर, हमारा मांगे एक ही है। हम लोग आदमी को बहुत अन्याय चल रहा है, क्या तभी पूछा तो 3 महीने के दरमियान हमें 20 साल से 15 साल से करने वाला है, मैं तो भी फाइट करो, सरकार भी को हमें नियत भी पूछो, राली भी करे तभी क्या भी नहीं, क्या भी फायदा नहीं है। अभी सोमवार का हमें राली कर रहा है, हमें CM के पास हमका ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक चप्पार की रिपोर्ट।